ये जो प्रधानमंत्री की मन की बात का जो कार्यक्रम रेडियो पे प्रसारित किया जाता है, ये जनता से जुड़ने का एक बहुत ही मतलब बेहतरीन साधन आप इसको मान सकते हैं कि वो अपने चीज़ों को भी, वो क्या कर रहे हैं आज हमारे लिए, इन चीज़ों को वो जनता के सामने रखते हैं। और चूंकि रेडियो एक ऐसा साधन होता है जिससे सारे लोग जुड़े होते हैं, चाहे वो गरीब तबके के भी हों, तो ये चीज़ एकदम मतलब ज़मीनी रूप तक हर व्यक्ति के साथ सामने पहुँचती है कि वो क्या चाहते हैं और वो क्या कर रहे हैं। और प्लस जनता भी उनकी चीज़ों को जान पाती है कि क्या है, कैसे है, वो क्या कर रहे हैं देश के लिए, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, किस रूप में हो रहा है। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। हम जितने भी यूथ हैं आज के डेट में, वो सभी अपनी मन की बात उनसे कह सकते हैं। प्रधानमंत्री का कहना ये होता है कि आप जो पढ़ रहे हो उस पर पहली बात तो फोकस करिए कि आप क्या पढ़ रहे हो। सिर्फ पढ़ लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, फोकस होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो एक फोकस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। दूसरा, चीज़ों को बताने का तरीका, स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री का बहुत अच्छा एक सबसे पहली बात कि मन की बात के द्वारा तो वो हमसे हम जनता से बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं। और हमारे मन की बात अगर कुछ सही रहती है सबके लिए तो वो उसे लागू भी कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है ये हमारे लिए। वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जो मतलब जनता से रेडियो स्टेशन मन की बात के जरिए, जो रेडियो स्टेशन मतलब एक ऑटो वाले के वो हर के पास रहता है, वो सुन सकता है उनकी बात। क्योंकि ये जो FM है ये सबके, छोटी से चाहे जो भी मोबाइल हो सबके मोबाइल में रहता है। वो हर इंसान से, छोटे से छोटे से इंसान से वो जुड़ गए हैं मन की बात के जरिए। अच्छा प्रोग्राम है, इससे PM हमसे जुड़े रहते हैं और अपने मन की बात हमसे बताते हैं और जनता के मन की बात भी जानते हैं। बहुत बढ़िया कार्यक्रम है ये, एक अच्छी पहल है।